आज हम लोग प्रूफ करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए टू द पावर फोर प्लस बी टू दावर फोर प्लस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको हम लोग दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं तरीके दोनों सिंपल ही हैं एक बहुत छोटे में प्रूफ हो जाता है एक थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है दोनों आसान ही देखते हैं कैसे प्रूफ होता है ये इसका है लेफ्ट हैंड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो एक तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको ठीक और इसको यदि ए माना जाए तो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ठीक है यदि इस फॉर्मेट में हम लोग इसको लिखें तो यह हो जाएगा ए के जगह पर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू ए बी ए है यहां पे ए स्क्वायर और बी है बी स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर का मतलब बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है ना यहाँ पर हमने पूरे ए स्क्वायर को ए माना है और बी स्क्वायर को भी ताकि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ सके उसको यदि ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम लोग लगाते हैं तो वो ये आता है अब जब इसको हम लोग और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ए टू दी पावर टू टू दी पावर टू तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी टू दी पावर फोर ठीक है इसको थोड़ा अरेंज कर लो तो ये हो जाएगा ए टू दी पावर फोर प्लस इसको पहले लिख लेते हैं प्लस बी टू दावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ठीक है ये हमारा आर एच एस आ गया इसको यदि थोड़ा सा हम लोग अरेंज करते हैं तो एक फार्मूला और इसमें प्रूव हो सकता है वो क्या है ये देखो अभी हम लोग के पास आ गया यहाँ एक लाइन दो अभी हम लोग के पास आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए टू दावर फोर प्लस सॉरी प्लस बी टू द पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ठीक है इसको यदि हम लोग इस साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा ए टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये इस साइड लगेगा तो साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इक्वल्स टू अब यहाँ पर सिर्फ यही बच गया तो ये हो जाएगा ए टू द फोर प्लस बी टू दावर फोर हम लोग इसकोरेंज करते हैं साइड चेंज करके तो ये हो जाएगा इसको इस साइड और इसको उस इस साइड भेजते हैं साइन हम लोग रिवर्स कर देते हैं तो ए प्लस जैसे एक्स इज़ इक्वल टू वाई इसका मतलब ये भी होता है कि वाई इज इक्वल टू एक्स तो ये यदि इसके बराबर है तो हम साइन चेंज करके लिखेंगे इसको ए टू द पावर फोर प्लस बी टू पावर फोर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर टू माइनस टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ठीक है ये एक दूसरा फॉर्मूला हम लोगों के सामने प्रूव हुआ कहीं कहीं यहाँ पर ये ये है एक और इसमें इसको इस तरह से भी लिख सकते हो ए टू दावर फोर प्लस बी टू दावर फोर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू ए बी का होल स्क्वायर ठीक है ना ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो इसको हमने ए बी का होल स्क्वायर लिख दिया ये तो बहुत शॉर्टकट था छोटा सा तरीका था जिसमें हमने एक दूसरे फार्मूले का यूज़ करके ठीक है इसको सेपरेट कर दो एक दूसरे फार्मूले का यूज़ करके हमने इसको प्रूव किया एक दूसरा है जिसमें स्क्वायर होता है तो स्क्वायर का मतलब मल्टीप्लिकेशन है हम लोग उसको कैसे करके प्रोसेस वो भी आसानी है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है देखो उसमें कैसे होगा ये है इसमें एल एच एस है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है अब इसमें हम लोग लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे कि यदि मल्टीप्लिकेशन में एक में दो टर्म है तो हम लोग इसके हर एक एक टर्म को उस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये कैसे हो जाएगा इस ए स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसके बाद ये तो पूरे से मल्ट अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है कि ये कितना है प्लस बी स्क्वायर तो प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है अब जब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो ए टू दावर फोर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ये हो गया अब यहाँ प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर है तो हम लोग उसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी टू द पावर फोर अब ये देख लो ये दोनों एक ही चीज़ है तो ए टू दावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू दावर फोर अरेंज कर लो थोड़ा सा तो ए टू दावर फोर प्लस बी टू दावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर ये भी हमारा आल से आ गया तो इस तरह से हमने इसको प्रूफ किया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का होता है ए टू पावर फोर प्लस बी टू पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर